हर वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के यमुना पार अध्यक्ष आकांक्षा सोनकर जी, मंडला अध्यक्ष मांडा नीतू सिंह जी, मातृशक्ति अभिनंदन समारोह की संयोजिका मीनू वर्मा जी और हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर नीता साहू जी, नीरज द्विवेदी मंडल मंत्री जी, शकुंतला जी मंडल मंत्री, गार्गी जी मंडल मंत्री, तबस्सुम जहां महिलाओं को ले लेना, वंदना द्विवेदी जी, मीरा पटेल जी, नीरज द्विवेदी जी और हमारे एडीएसए साहब, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है तो पहले महिलाओं जरूरी है, बाद में पुरुषों का आज दिन नहीं। बाकी यहाँ पर मंच से सभी उपस्थित सम्मानित और हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी, आप उससे बहुत बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपको पूरा आशीर्वाद भी चाहती हूँ। और मैं आपको नाम से पहचानती थी, सच में मैं आपको नहीं जानती थी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी मंच का संचालन कर रहे हमारे मनीष जी और यहाँ पर उपस्थित इस प्रांगण में मातृशक्ति के रूप में सभी महिलाओं को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जो कि इस विद्यालय के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और भी जो संबंधित अधिकारी, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। रिफॉर्म मतलब किसी योजना को बनाना, परफॉर्म उस योजना को क्रियान्वयन करना और ट्रांसफॉर्म मतलब कि उस योजना का आपके बीच में लोगों तक पहुंचाना, आप तक ट्रांसफर करना, ये हमारी सरकार की योजना है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आ चुकी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो योजनाएं इन चार सालों में महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने किया है वो कभी किसी सरकार ने नहीं किया है, चाहे वो सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो। महिला सशक्तिकरण, महिला मिशन की जो भी योजनाएं, बार बार उसको रिपीट करने से शायद कोई फायदा नहीं है, सब लोग जानते हैं। मेरे पास तो एक ही बुकलेट है, शायद आप लोग को यहाँ मिली नहीं है, अगर मेरी गाड़ी आ जाएगी तो मैं आप लोग को दूंगी। इसमें कितनी सारी योजनाएं एक साल सिर्फ महिलाओं के लिए है और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए बहुत चिंतित भी रहते हैं, उनके लिए प्रयास करते रहते हैं कि महिलाओं को कैसे सुरक्षा दिया जाए। चाहे प्रधानमंत्री जी की सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें भी लड़कियों के लिए खाते खोलकर 14 साल के लिए राशि इकट्ठा होती है, एक एक आंकड़ा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस किताब में है, आप लोग लीजिएगा और इसको पढ़िएगा कि भाजपा ने जो किया है वो करके दिखाया है। इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक एक आंकड़े को आपको साबित करके देना और छपा करके बताना। ये योजना ऐसे, मैं तो कहती हूँ मैंने भी अपनी किताबें छपाई हैं, मैंने भी अपने एक विकास निधि बनाया है, उस पर मैं आप लोग को दूंगी कि मैंने क्षेत्र के लिए क्या किया है। जैसा कि अभी विद्यालय की बात आई है तो अभी तक मैंने किसी विद्यालय में कोई निधि नहीं दी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी, मैं आश्वासन देती हूँ कि कुछ ना कुछ आपके विद्यालय में करूंगी, क्योंकि मुझे पता है विद्यालय में देने पे कहीं ना कहीं कुछ लग जाता है, कुछ ले लिया इन्होंने है ना, क्योंकि कमीशन बहुत होता है विद्यालय में और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे नाम के पीछे लगे, क्योंकि मेरा काम है क्षेत्र का विकास करना और मैं उसी में लगी हूँ और जितनी निष्पक्षता सारा काम कर सकूँ वो प्रयास करूंगी, लेकिन मैं करूंगी जरूर, ये मैं वादा आपसे कर रही हूँ। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, खेल कूद का हो, महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और खुशी की बात भी है, मैं देख रही हूँ यहाँ समूह की महिलाएं हैं। अभी मुझे लोगों ने बताया कि हम लोग जैविक खेती करते हैं, जितनी ड्रेसेस हैं यहाँ पे समूह की महिलाओं ने ही बनाई है, चप्पल भी लोगों की महिलाओं ने यहाँ बनाया है और ब्याज भी बहुत कम लगता है, पहले 2% लगता था, अब शायद 1% में ब्याज देके लोग काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो कोटा भी हमारी समूह की महिलाएं चला रही हैं,
ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए आप लोग सरकार को बधाई दीजिए और बधाई के पास आप लोग भी हैं कि आप लोग भी मेहनत कर रही हैं, तभी हमारी सरकार यहाँ पर है। भाई आपने सरकार बनाई, मैं तो कहूंगी कि ये मेजा विधायक तो मुझे आपने पहली मैं विधानसभा से पहली बार विधायक, कभी भाजपा का विधायक ही नहीं बनाया, तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे वोट किया, सपोर्ट किया और मेरा सहयोग किया। तो आप लोगों का भी सहयोग करना मेरा भी कर्तव्य बनता है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं हमेशा आप लोगों का प्रयास करूंगी कि आपके जो विश्वास पे खरी उतरूं। मैं एक चीज और आप लोगों से कहूंगी, महिलाएं सब तरफ आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन महिलाओं मर्यादा जो है महिलाओं का गहना होता है, और आप लोग अपने पारिवारिक झगड़ों में या जमीन के झगड़े में अपना इस्तेमाल ना होने दें। ये जो आजकल मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग गलत किसी को ना लिखाएं, गलत ना फंसाएं, लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो मैं आपके साथ, अगर मुझे भी कहीं चलना पड़ेगा तो मैं आपसे खड़ी भी हूँ, लेकिन अपना इस्तेमाल गलत जगह में मत करिए। इसका बहुत, जब कोई कुछ कहता है कि महिलाएं ऐसा कर रही हैं, तो मैं भी एक महिला हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है। महिलाओं को पीड़न हो वहाँ पे आप डट के सामना करें, चाहे लक्ष्मी बाई बनना पड़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तो वैसे बुंदेलखंड से हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। लेकिन आप लोग भी अपने आप को मजबूत करें, मेरा निवेदन है और भी आप लोगों से। अभी कुछ बेटियों को मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया, लेकिन आप लोग अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियां शिक्षित होती है तो दो परिवारों को शिक्षित करती है। जब तक मायके में रहती है मायके के लोगों को, ससुराल जाती है ससुराल के लोगों को। और जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि किसी दहेज के कारण किसी लड़की ने बारात वापस कर ली, तो खुशी भी होती है। हम अपनी बेटियों को इतना सशक्तिकरण बना दे कि वो कम से कम बारात तो वापस करे, तो ऐसे जो दहेज की प्रथा जो कुरीति है वो भी खत्म हो जाएगी और महिलाओं को सम्मान मिलेगा, स्वावलंबी बनेंगी। तो सब जगह हर क्षेत्र में मैं कहती हूँ कि कोई किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और एक बात और है, जिस घर में लड़कियों का महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहां पर लक्ष्मी भी नहीं आती है। ये पुरानी प्रथा चली आ रही है, इसलिए मैं यहाँ जितने भी पुरुष हैं, मैं नहीं कहती हूँ, मैंने कल भी बात की आज भी कहती हूँ, महिला पुरुष पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब दोनों साथ चलेंगे तभी घर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इसलिए दोनों को बैलेंस बना के रखना होगा, तो ना बेलन की स्थिति आएगी ना अपमान की स्थिति आएगी, और दोनों मिलके काम करेंगे तो स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ समाज की भी स्थापना हम लोग के बीच में होगी। और मैं यहाँ पे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी जो हम लोग कराटे और ये बना रहे हैं सब चीजें, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा भागीदार हैं, क्योंकि हम लोग कल्चर को ज्यादा अपनाते हैं। तो और एक आगे परिवार की कमी, तो एक ये होता है कि हम लोग अब राजा रिश्ते भूल रहे हैं। पहले जब गांव में लोग एक साथ रहते थे तो ये मालूम होता था कि ये हमारे बुआ हैं, तो हमारे मामा हैं, तो हमारे फूफा हैं, तो हमारे जीजा हैं। और जब आदमी अलग रहता है तो रिश्तों की पहचान ही खत्म हो जाती है कि कौन क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ही अपने बच्चों को बताएं कि संबंध क्या होते हैं। माता पिता ही या माँ ही मैं कह लूँ प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की। तो अगर हम लोग अपने बच्चों के दिमाग में बता देंगे कि बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, भाई को बताएंगे ये तुम्हारी बहन है, दूसरे को अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये अपने देश से करप्शन भी खत्म हो जाएगा और ये जो टोल नंबर ये नंबर इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि क्या पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग अपने समाज के लिए क्या क्या काम कर सके। बाकी महिलाएं हैं यहाँ पे, मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरे साथ में रहेगी, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी उससे हारी है, मौत भी उससे हारी है। और एक लाइन है, इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है, बहुत हो चुका हम मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है,
नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है, अबला है बेचारी है। इन्हीं बातों का सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जी है पीछे। अच्छा आप बैठिए।